नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। देश में जाति को लेकर समय समय पर बयानबाजियां होती रहती हैं, जातिवाद पर सियासत भी होती रही है। इस बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कास्ट पॉलिटिक्स को लेकर भड़क गए। गडकरी ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि महाराष्ट्र में इस समय जातिवाद की पॉलिटिक्स हो रही है। मैं जात पात को नहीं मानता, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा कसकरला। उन्होंने कहा कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 40% मुसलमान है। मैंने उनको पहले ही कहा है कि मैं आरएसएस वाला हूं, मैं हाफ चड्डी वाला हूं। किसी को वोट देने से पहले सोच लो कि बाद में पछताना ना पड़े। जो वोट देगा मैं उसका काम करूंगा और जो नहीं देगा मैं उसका भी काम करूंगा। महाराष्ट्र में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं। विधानसभा का कार्यकाल इस साल 26 नवंबर को खत्म हो जाएगा। अक्टूबर नवंबर में यहां की 288 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह हो गई। इसके बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया। एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। अब शिवसेना दो गुटों में बढ़ चुकी है। शरद पवार की एनसीपी भी दो गुटों में, शरद पवार और अजीत पवार में बट गई है। शरद पवार ने हाल ही में दावा किया है कि महाराष्ट्र में इस साल चुनाव में महाविकास आघाड़ी एनसीपी और एससी कांग्रेस शिवसेना ठाकरे गुट 225 सीटें जीतेगी। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी शिवसेना यानी शिंदे गुट और अजीत पवार की एनसीपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था। हालांकि साल 2019 की तुलना में इस बार महाराष्ट्र में एनडीए को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। तीनों पार्टियां मिलकर सिर्फ 19 सीटें ही जीतने में सफल रही थी। इनमें से बीजेपी और शिवसेना ने जो है 9-9 और अजीत पवार की एनसीपी ने एक सीट पर जीत हासिल की थी। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन ने 28 सीटें जीती, कांग्रेस ने 13, शरद पवार की एनसीपी ने 8 और शिवसेना ठाकरे गुट ने 7 सीटें जीती। एक सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार ने जीत हासिल की। बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले अब भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को लेकर चिंतन मंथन कर रही है, ऐसे में नितिन गडकरी का यह बयान अब कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी को कास्ट पॉलिटिक्स से अब दूर होना है? क्या भारतीय जनता पार्टी अब जातिवाद की जो राजनीति है उसको खत्म करने की फिराक में है? नितिन गडकरी भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता है, दिग्गज नेता है, और उनका यह बयान कहीं ना कहीं अब सुर्खियों में है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।